आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 1 मई 2023 का। यह वीडियो आप जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं सिर्फ उसको ही डिस्कस करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल संरचना की परिभाषा के लिए कौन सा मामला काफी प्रसिद्ध रहा था? तो सही उत्तर इसका है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला जो था वह 1974 में इसका फैसला आया था 24 अप्रैल के दिन। यह काफी फेमस मामला था और इसमें संविधान की जो मूल संरचना है इस पर यह फैसला आया था, तो यह काफी फेमस मामला था उस समय का, केशवानंद भारती मामला। अगर हम लोग केशवानंद भारती मामला की बात करते हैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट है वह भारतीय संविधान की मूल संरचना को परिभाषित था और इस मामले में जो फैसला आया था वह 24 अप्रैल 1973 को यह सुनाया गया था और हाल ही में यह न्यूज में है क्योंकि अभी 24 अप्रैल को 50 साल पूरे हो गए हैं। यह जो मामला इसके 50 साल पूरे हो गए हैं इसके लिए अभी यह क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महंगाई राहत शिविर शुरू किया है? तो सही उत्तर इसका है राजस्थान जो है वह महंगाई राहत शिविर को शुरू किया है अपने राज्य में। तो सही उत्तर इसका है राजस्थान। राजस्थान का जो राजधानी है वह जयपुर है और यहाँ के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं यहाँ के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अगला है, सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो हाल ही में जो है भारत सरकार जो है वह सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। यह काफी अभी न्यूज में है क्योंकि सूडान से भारतीयों को निकाला जा रहा है विमान से, तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल को शुरू किया है? इसका सही उत्तर है कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय जो है वह हाल ही में इंडिया हैंडमेड पोर्टल को यह लॉन्च किया है और इसके माध्यम से हैंडमेड जो भी बनाई जाएगी वस्तुओं उसका विक्री किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। अगला है, मन की बात कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो सही उत्तर इसका है 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो से 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार मन की बात जो कार्यक्रम है इसको शुरू किया था और हाल ही में यह न्यूज में है क्योंकि यह महीने में इसका 100वां एपिसोड अप्रैल महीने में यह प्रकाशित किया गया है, इसलिए यह मन की बात जो कार्यक्रम है वह न्यूज में ज्यादा है। अप्रैल महीने में 100वां एपिसोड को प्रकाशित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यह 100वां जो एपिसोड है इसको प्रकाशित किया गया है। अगला है, कौन सा देश मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर इसका, भारत जो देश है हमारा वह मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का मेजबानी करेगा। अगला है, किस देश ने चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबोट को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर इसका है रूस जो है वह चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी जो है गीगा चैट एआई या चैटबोट है उसे रूस के द्वारा यह लॉन्च किया गया है जिसे चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन करता है? तो सही उत्तर इसका, कजाकिस्तान जो है वह अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का यह आयोजन करेगा। तो सही उत्तर इसका है कजाकिस्तान। अगला है, विश्व पुस्तक दिवस 2023 पर यूनेस्को का जो विषय है वह क्या है? तो इसका विषय है विश्व पुस्तक दिवस पर वह है स्वदेशी भाषाएं जो है वह विश्व पुस्तक दिवस पर यह यूनेस्को का विषय है और विश्व पुस्तक दिवस जो है यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में
मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 अप्रैल। और इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस का जो विषय रखा गया है वह है शून्य मलेरिया, देने का समय, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन है। यह विषय है 2023 का विश्व मलेरिया दिवस का। तो यह कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 1 मई 2023 का। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे आप